के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय की कल केंद्र में प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। उन्हें 31 मई सुबह 10 बजे तक दिल्ली रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। जिस तरीके से आनन फानन में ये आदेश जारी हुआ है, उस पर सवाल उठ रहे हैं कि इस आदेश का प्रधानमंत्री की बैठक से संबंध है। दरअसल कल प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में तूफान की समीक्षा के लिए पहुंचे थे। यहां राज्यपाल और ममता बनर्जी के साथ उनकी बैठक होनी थी, लेकिन ममता इस बैठक में सिर्फ अपने कागज सौंपने पहुंची और वो भी देरी से। ममता के साथ उनके मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय भी प्रधानमंत्री से मिलने देरी से आए और इसी के बाद उनके डेपुटेशन का आदेश जारी हो गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाने के आदेश पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। केंद्र सरकार के आदेश पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी सवाल उठा दिए हैं। तो पश्चिम बंगाल में सीएम पीएम की मुलाकात को लेकर खटास से अब मुख्य सचिव के तबादले पर तनातनी का दौर जारी है। तो क्या उस बैठक का अंजाम यहां तक आ पहुंचा? আমাদের যেহেতু কলাইকুণ্ডায় যেতে হবে 45 মিনিট টাইম লাগবে এবং আমাদের একটা কাগজ হ্যান্ডওভার করতে হবে, তাই জাস্ট 15 মিনিটের জন্য আমায় যেতে হবে, কারণ আমি মিটিংটায় থাকছি না, রিভিউ মিটিংটায়। আমি জাস্ট কাগজটা হ্যান্ডওভার করবো, কোথায় কি ক্ষতি হয়েছে যতটা এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে আছে এই পর্যন্ত, কারণ আমাদের যেতে লাগবে 45 মিনিট এবং সেখানে প্লেনের টাইমিং করা আছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী স্বাভিমান নেই কেন? কেন ভিখারির মানসিকতা? কোথায় কোথায় টাকার কথা বলেন? আর আজকে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সেখানে রাজনীতি সামনে চলে আসছে। এই যে ক্ষুদ্র রাজনীতি, এর দ্বারা বাংলার মানুষের ভালো হবে না। কমপক্ষে এই সংকটের সময় রাজনীতিকে ভুলে গিয়ে সবাই একসঙ্গে লড়াই করে যদি মানুষকে সংকট থেকে বার করে নিয়ে আসার চেষ্টা করি তাহলে ভালো হবে। যাই হোক, এটা প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে আমি এটাই বলে এসেছি যে আপনি আমার সাথে মিট করতে চেয়েছিলেন, তাই অত দূর থেকে আমি এসেছি এবং আপনাকে মিট করে আমরা এই কাগজটা আমি এবং আমার চিফ সেক্রেটারি মিলে দিয়ে গেলাম। এবং আমাকে দীঘায় যেতে হবে, যেহেতু দীঘায় আমার যাওয়ার কথা আছে, তাই আমি আপনার পারমিশন নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। মমতা দিদি অহংকার মে চুর হো গই হ্যায়, লেকিন মে উনকো আগাহ করনা চাহতা হুঁ, অহংকার রাবণ কা ভি নহীঁ রাহা। এক বার দের ভরে লগে অহংকারী কা নাশ হোনা সুনিশ্চিত হ্যায়। মোদি জি भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके पीछे देश चलता है। वो अगर पश्चिम बंगाल गए थे तो वहां जनता के कल्याण के लिए गए थे, तूफान पीड़ित भाई और बहनों का हालचाल जानने गए थे। उस समय किसी मुख्यमंत्री का ऐसा बर्ताव करना, ये पश्चिम बंगाल की जनता का अपमान है। सीधा चलेंगे इंद्रजीत कुंडू, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, पहले प्रोटोकॉल की बात, अब अहंकार की बात, लेकिन कुल मिलाकर सियासत फुल है, एक नया चैप्टर खुल गया है नई पॉलिटिक्स का। जी हाँ, बिल्कुल। यू नो, मई के महीने में, इसी महीने में पश्चिम बंगाल के चुनाव खत्म हुआ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तीसरी बार के लिए कमान संभाली, लेकिन जिस तरह से बीजेपी और तृणमूल के बीच में खींचतान चल रही थी चुनाव के दौरान, हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कैंपेन करने आए तो सीधा सीधा वार उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे तब किया था, और उसी का सिलसिला, वही सिलसिला दिख रहा है, जारी है। अब जब सरकार बन चुकी है, अब दोनों सरकारों के बीच में इस तरह की घमासान चल रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में। ममता बनर्जी ने, आपने सुना किस तरह से कहा कि वो मीटिंग में अटेंड नहीं करेंगी, वो उन्होंने ऐलान कल ही कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगी, अपना जो दस्तावेज है वो प्रधानमंत्री को सौंपूंगी और वहां से निकल जाऊंगी, और वही उन्होंने किया। और इसको लेकर अब राजनीति छिड़ गई है। बीजेपी ये कह रही है कि शुभेंदु अधिकारी वहां पे उपस्थित थे, इसीलिए ममता बनर्जी नाराज होकर निकल गई। और सूत्रों के हवाले से हमें ये पता चल रहा है कि ममता बनर्जी ने अपना नाराजगी पहले ही पीएमओ को जता दिया था। परसों जब इस मीटिंग के बारे में प्लानिंग चल रही थी, उन्होंने कह दिया कि शुभेंदु अधिकारी इस वक्त विधानसभा में, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विरोधी दल नेता है और उनको इस एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में रहने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया कि शुभेंदु अधिकारी को बुला के राजनीति कर रही है बीजेपी। बिल्कुल, नजर आप बनाए रखिए। शुक्रिया इंद्रजीत इस पूरी जानकारी के लिए।